गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गद्य का। गद्य साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग है रेखा चित्र, जिसके बारे में आपने सुना होगा। इस क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं कि रेखा चित्र क्या है, रेखा चित्र की विशेषताएं बताइए, या किसी प्रमुख रेखा चित्र के लेखक बताइए, रेखा चित्र का नाम बताइए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं। इसके पहले हमने जीवनी और आत्मकथा के बारे में भी पढ़ा था, जो कि गद्य साहित्य का ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। कौन-कौन से पढ़े थे? जीवनी और आत्मकथा। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जीवनी जो है किसी लेखक के द्वारा लिखी गई किसी दूसरे व्यक्ति की, कोई महान व्यक्ति की जीवन के बारे में वर्णन किया जाता है, जिसमें चरित्र चित्रण किया जाता है, उसके उपलब्धियों के बारे में वर्णन किया जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपका जीवनी के अंतर्गत। अब हम यदि बात करें आत्मकथा की, तो हमने आपको बताया था कि जो आत्मकथा और जो जीवनी होती है वो सेम होती है, में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। जीवनी में क्या होता है? जीवन का वर्णन कोई दूसरा व्यक्ति करता है, और आत्मकथा में क्या होगा? आत्मकथा में स्वयं हम अपने जीवन का वर्णन करते हैं, और जीवन की उपलब्धियों और ईमानदारी के साथ। यहाँ ये बात बार बार बोली जाती है कि जब हम आत्मकथा में स्वयं के जीवन का वर्णन करते हैं, तब हम क्या करते हैं? पूरी ईमानदारी के साथ वर्णन करते हैं। क्यों ईमानदारी का शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि हमारा जीवन जैसा है, जो है, हमें वही बताना है। हमें ना तो उसको बढ़ा चढ़ाकर बताना है, ना तो बहुत कम हो, है ना। तो जो चीज़ें यहाँ पे हैं कि जब भी हम आत्मकथा यदि हम लिखना चाहते हैं, स्वयं की आत्मकथा यदि हम लिखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए, और हम ईमानदार जरूर हों आत्मकथा के। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट जो है आज हम पढ़ेंगे वो है रेखा चित्र। क्या है? रेखा चित्र। अब जैसे कि आपको पता चल रहा है, आप सोच रहे होंगे कि रेखा चित्र शब्द तो हमने रेखा चित्र का मतलब ड्राइंग जैसा होगा, कुछ की ड्राइंग हो सकती है, या गणित में भी कभी कभी रेखा चित्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप यहाँ सही समझ रहे हैं कि रेखा चित्र का अर्थ होता है रेखाएं बनाना, ड्राइंग बनाना, किसी भी प्रकार का चित्र बनाना। लेकिन यहाँ हम चित्र नहीं बनाएंगे, यहाँ पे जो लेखक है वो क्या करता है, वो इस तरह की रचनाएं रचता है, इस तरह से लिखता है कि जो चित्र है ऐसा लगता है कि जो घटना, यदि हम कोई घटना पढ़ रहे हैं, लेखक का कोई रेखा चित्र पढ़ रहे हैं, तो हमें पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि वो जो चित्र है जो हम पढ़ रहे हैं, जो घटना है, वो हमारी आंखों के समक्ष चित्र के रूप में उपस्थित हो जाती है। मतलब एक स्ट्रक्चर हम उसका ड्रॉ कर लेते हैं कि ऐसा व्यक्ति था, ऐसा उसका घटना हुई, उसने ऐसा काम किया। इस तरह से जो भी यहाँ पे, जैसे मान लीजिए प्राकृतिक चित्र, नेचर का वर्णन किया जाता है, कैसे बहुत अच्छे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, सुंदर पत्तियां थी, पीले रंग के फूल थे, नदियां बह रही थी, पक्षी गीत गा रहे थे। इस तरह से हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं अपने दिमाग में कि इस तरह से जो है वो कवि ने या लेखक ने यहाँ पर वर्णन किया हो। ठीक इसी को हम कहते हैं रेखा चित्र, कि जब हम किसी लेख को पढ़ते हैं और हमारे मन में उसकी चित्र उभरने लगते हैं, पढ़ते पढ़ते हम चित्र उभरने लगते हैं, हम महसूस करना, इमेजिन करने लगते हैं कि हाँ, इस तरह से जो लेखक यहाँ बताना चाह रहा है, तो वो कहलाता है रेखा चित्र, है ना। तो यहाँ चित्रों से ही इसका जो है वो संबंध हो सकता है। अब हम बात करें इसकी परिभाषा की, तो यहाँ पर परिभाषा, जब लेखक द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु, जब लेखक द्वारा किसी व्यक्ति, रेखा चित्र किसी के आधार पर बनाया जा सकता है, तो रेखा चित्र किसी व्यक्ति के ऊपर भी लिखा जा सकता है, सुंदरता पर, उसकी चरित्र चित्रण पर। तो लेखक द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु और व्यक्ति वस्तु या दृश्य, तीन चीजें यहाँ पर हो सकती है, ध्यान दीजिएगा कि रेखा चित्र में तीन चीजें हो सकती है, क्या क्या? किसी व्यक्ति या वस्तु या दृश्य का क्या हो सकता है? क्या वो वर्णन किया जाए, इस प्रकार वर्णन किया जाए कि जैसे लगे कि जैसे लगे आंखों के आगे उस व्यक्ति, जैसे लगे कि आंखों के आगे, आंखों के आगे चित्र सा उभरने लगे, चित्र सा
की परिभाषा। ठीक है, जब हम कोई लेख पढ़ रहे हैं और लेख को पढ़ते समय हमारी आंखों में जिस व्यक्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिस वस्तु के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिस दृश्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनका हमारी आंखों के सामने चित्र उभरने लगे तो वह क्या कहलाता है? रेखा चित्र, जो कि गद्य साहित्य विभाग का, गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है रेखा चित्र। ठीक, तो आप कभी भी जब याद करते हैं कोई चीज, जब आप कुछ समझते हैं तो आपको उसके शब्द के अर्थ पर जरूर जाना है। जैसे हम क्या करते हैं, हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं, किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम उससे उसके नाम को जोड़ लेते हैं। अब इसे हम रेखा चित्र, रेखा चित्र कॉमन समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मैम जो है वो चित्र के बारे में बताने वाली है, रेखा चित्र जो रेखाओं के द्वारा बना हुआ होगा, तो है तो वही चीज। हम अगर ड्राइंग की बात करें, ड्राइंग का रेखा लाइन खींच खींच के हम ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो लेखक है वो क्या कर रहा है, दिमाग आंखों के माध्यम से, दिमाग के माध्यम से चित्र जो है वो उकेर रहा है, मतलब उकेरने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे परिभाषा क्या हो जाएगी, फिर से देखिए एक बार, कि जब लेखक द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का इस प्रकार वर्णन किया जाए कि जैसे लगे कि आंखों के आगे चित्र सा उभरता है, उसे रेखा चित्र कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ की बात मैं आपको बता दें कि जो रेखा चित्र होते हैं ना तो कहानी होती है ना तो निबंध होते, जो रेखा चित्र जो लेख होते हैं ना तो वो कहानी के रूप में होते हैं ना तो निबंध, लेकिन दोनों का मिक्स हो, मिक्सअप होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेखा चित्र, रेखा चित्र कहानी और निबंध का, कहानी और निबंध का मिला जुला रूप होता है, मिला जुला रूप होता है। रेखा चित्र में कहानी भी हो सकती है, निबंध भी हो सकता है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि रेखा चित्र जो है वो क्या हो सकता है, कहानी और निबंध का मिला जुला रूप होता है। अब अगला जो हमने आपको दूसरा पॉइंट बताया, रेखा चित्र की विशेषताएं, अगला प्रश्न आपका आता है कि रेखा चित्र की विशेषताएं बताइए। तो हमने अगली साइड हेडिंग हमारी डाल दी रेखा चित्र की विशेषताएं। ठीक है, ये हो गया आपका रेखा चित्र की विशेषताएं। अब पहली विशेषता क्या हो सकती है बताइए? तो पहली विशेषता है रेखा चित्र में काल्पनिक वर्णन भी हो सकता है और यथार्थ। मान लीजिए कोई व्यक्ति घूमने गया है और क्या कर रहा है, वहां से देखा प्राकृतिक चित्रण, देखा किसी व्यक्ति को, देखा तो किसी घर को, देखा किसी महल को, देखा तो उसने वैसा ही एज इट इज वर्णन किया जैसे उसने देखा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पहला जो विशेषता हो सकती है कि रेखा चित्र में, रेखा चित्र काल्पनिक और यथार्थ, यथार्थ मतलब सच में है ना, तो काल्पनिक और यथार्थ दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ कह नहीं सकते कि रेखा चित्र बस काल्पनिक बनाए जाते हैं या रेखा चित्र बस यथार्थ बनाए जाते हैं, रेखा चित्र में दोनों का वर्णन हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकते हैं और यथार्थ भी हो सकते हैं। दूसरी विशेषता क्या हो सकती है यहाँ पर, रेखा रेखा चित्र विषय प्रधान होता है। अब विषय प्रधान मतलब जब हम रेखा चित्र, जब भी जो लेखक लिखते हैं, रेखा चित्र जब लिखा जाता है तो उसके लिए लेखक के पास कोई एक महत्वपूर्ण विषय, किस विषय पर वो लिखना है, तो विषय का होना अति आवश्यक है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि रेखा चित्र के लिए विषय प्रधान होना अति आवश्यक है।
जो देना जो है नाम बताना है कौन सा लेखक जो देना था महत्वपूर्ण है और उसके लेखक कौन है। यहाँ पर जो है पंडित बनारसी चतुर्वेदी जी जो पंडित हैं जिन्होंने लेखक सबसे पहले लिखा था पंडित बनारसी चतुर्वेदी जी। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था, रेखा चित्र लिखा था जिस किस पर औरंगजेब पर। ठीक है, औरंगजेब पर इन्होंने रेखा चित्र लिखा था कि उन्होंने किस तरह से युद्ध करते थे, किस तरह से लड़ाई करते थे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1912 में पंडित बनारसी चतुर्वेदी जी ने, बनारसीदास चतुर्वेदी जी ने क्या लिखा था यहाँ पर औरंगजेब पर एक लेखक लिखा था 1912 में। क्लियर है? तो अभी आपने पढ़ा रेखा चित्र के बारे में, एक बार हम रिविजन कर लें इसका। जब लेखक द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु या दृश्य का इस प्रकार वर्णन किया जाए कि जैसे लगे आंखों के आगे चित्र सा उभरता है उसे हम क्या कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र कहानी और निबंध का मिला जुला रूप होता है, ना तो पूरी तरह कहानी होती है ना तो पूरी तरह निबंध होता है। रेखा चित्र की विशेषता की भी हम बात करें तो रेखा चित्र काल्पनिक और यथार्थ दोनों हो सकते हैं। रेखा चित्र विषय प्रधान होता है, रेखा चित्र का नाम और लेखक क्या होता है।